इस लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पिनाल कोड के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा अबेटमेंट। तो दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरा डेली लेक्चर मिल सके। अगर आप लोगों को कोई समस्या है लॉस रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबेटमेंट पे, और अबेटमेंट से जो रिलेटेड प्रोविजन है वो इंडियन पेनल कोड के चैप्टर 5 में है। आज इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी ऑफेंस को अबेट कितने तरीके से किया जा सकता है और इसके संबंध में क्या प्रोविजन है इंडियन पेनल कोड में। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहला सेक्शन ही देखना होता है चैप्टर 5 का, जो है अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। ठीक है, तो सेक्शन 107 के अनुसार एक व्यक्ति कब और कितने तरीके से अबेट कर सकता है ये समझते हैं। सबसे पहला कहता है बाय इंस्टिगेशन। ठीक है, ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट जो है कैसे कैसे हो सकता है इस बात पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, बाय इंस्टिगेशन। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंस्टिगेट करके, यहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंस्टिगेट कर रहा है किस बात के लिए, ताकि दूसरा व्यक्ति जिसको इंस्टिगेट किया जा रहा है, इंस्टिगेट का मतलब उकसाना, उकसाया जा रहा है ताकि वह दूसरा व्यक्ति क्या करे, अपराध करे। इस बात के लिए अगर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसाता है तो पहला व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन सा अपराध कर रहा है, ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आते हैं, दूसरा पॉइंट में क्या कहता है कि ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट और दूसरे जो तरीके से है वो क्या है, बाय वे ऑफ कंस्पिरेसी। ठीक है, कंस्पिरेसी के थ्रू भी ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट होता है। दोस्तों यहां जो टर्म कंस्पिरेसी यूज हुआ है, ये कंस्पिरेसी और जो कंस्पिरेसी सेक्शन 120A में है, इन दोनों में अंतर होता है, इसको भी हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो तीसरा मोड है फॉर द कमिटिंग ऑफ ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट वो क्या है, बाय इंटेंशनली एडिंग अ पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस। दैट मींस कि इरादतन सहायता पहुंचा के दूसरे व्यक्ति को ताकि वह अपराध कर सके, तो एड के तहत, दैट मींस कि सहायता पहुंचा के भी ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कसते हैं कि जो बाय वे ऑफ इंस्टिगेशन हो रहा है ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, इसका हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इंस्टिगेशन का क्या मतलब होता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना। तो यहां एक्टिव पार्टिसिपेशन का क्या तात्पर्य हुआ कि मान लीजिए ए है, क्लियर है, तो ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय वे ऑफ इंस्टिगेशन के केस में, ठीक है, ए कुछ ना कुछ अपने तरफ से करेगा जिससे दूसरा व्यक्ति बी अबेट होगा। ठीक है, किस बात को लेके, तो टू कमिट एन ऑफेंस, तो कुछ ना कुछ करेगा ए तो जाके बी अगर अबेट होता है तभी माना जाएगा कि ए के द्वारा ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को कि अगर ए कहता है बी को, ठीक है, कि तुमको सी जो है, सी तुमको क्या किया, अब्यूज किया है। ठीक है, तो यहां पे किस बात के लिए कह बी को भड़का रहा है कि सी किस बात से, सी अब्यूज किया है बी को। ठीक है, सी बी को गाली दिया है। ठीक है, और यहां पे ए अबेट कर रहा है बी को किस लिए, इसलिए इस ग्राउंड पे कि तुमको सी अब्यूज किया है, तो तुम क्या करो, सी को जाके सी को हर्ट काउज करो। ठीक है, तो यहां पे ए क्या कर रहा है, यहां पे ए बी को उकसा रहा है और बाय वे ऑफ इंस्टिगेशन वो कौन सा अपराध कर रहा है, ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। क्लियर है, तो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन का क्या मतलब था कि जब तक बी को ए उकसा नहीं रहा था तब तक बी के माइंड में ये बात ही नहीं उठ रहा था कि हमको सी को बीट करना है, सी को मारना है या हमको कोई अपराध करना है। यहां पे बी अपराध कब करने लगा, जब ए के तरफ से कुछ ना कुछ हुआ, कुछ ना कुछ शब्द इस्तेमाल हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, क्लियर, ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल ये समझिए कि अगर मान लीजिए बी जो है, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, अब एग्जांपल नंबर सेकंड में हम लोग आते हैं कि इंस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, इनकरेज करना। ठीक है, ये पहले एग्जांपल से हम लोग समझे कि इंस्टिगेशन का मतलब इनकरेज करना होता है। ठीक है, बढ़ावा देना होता है किसी चीज को।
दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल में कहता है कि अगर कोई व्यक्ति साइलेंट है, ठीक है, तो साइलेंट है तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट कर रहा है बाय वे ऑफ इंस्टिगेशन। अब कैसे इसको समझिए, मान लीजिए ए है, ए के पास बी आता है, ए के पास बी आया और बी कहता है कि हम डकैती करने वाले हैं, ठीक है, हम डकैती करने वाले हैं, क्लियर है, और इस बात पे एक कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि बी पूछ रहा है ए से, ए को, बी कह रहा है ए को कि हम डकैती करने वाले, क्या डकैती सही चीज है, क्या इसे करना चाहिए, ठीक है, इस बात पे एक कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, और उसके बाद बी जो है डकैती कमिट कर देता है। तो अब यहां पे अगर ए पे आरोप लगा ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट का, दैट मीन्स अबेटमेंट टू कमिट डकैती का, अगर ए पे एक्यूजिशन लगा तो क्या ये सस्टेन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन था ही नहीं ए के तरफ से, ए के साइड से, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। ये तो सिर्फ चुपचाप था, ये तो कुछ नहीं बोला कि करो ना करो इससे कोई फर्क, इस बात को लेकर कुछ कमेंट ही नहीं किया, तो यह माना जाए कि ए जो है इंस्टिगेट किया ही नहीं, और इस ग्राउंड पे जो ए पे एक्यूजिशन लगा है अबेटमेंट टू कमिट डकैती का वो सस्टेन नहीं करेगा। ये दूसरा, ये जो दूसरा एग्जांपल समझ में आ गया इस पॉइंट पे, क्लियर है। तो यहां पे पहला पॉइंट हम लोग थे तो क्या था कि इंस्टिगेट करना मतलब बाय वे ऑफ इंस्टिगेशन जो है ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट होगा पहला, तो यहां पे इंस्टिगेशन जो होगा किस बात को लेकर होना चाहिए, टू कमिट एन ऑफेंस। एक चीज और यहां समझ लीजिए बात, क्योंकि अगर ए बी को इंस्टिगेट करता है उस चीज को करने के लिए जो खुद में अपराध नहीं है, तो क्या ए पे ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट का, ठीक है, टू कमिट दैट ऑफेंस, टू कमिट दैट एक्ट, ठीक है, इस बात का एक्यूजिशन लगेगा क्या? अगर एक्यूजिशन लग भी गया तो क्या माना जाएगा कि उसने अबेट किया है, नहीं किया है, क्योंकि अबेटमेंट जब भी होना चाहिए तो उस एक्ट का होना चाहिए जो एक्ट क्या है, अपराध है। क्लियर समझ में आ गया पॉइंट फर्स्ट। अब आइए पॉइंट नंबर सेकंड, क्या कहता है दोस्तों, हर चीज को बारीकी से समझना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। अब आइए जो पॉइंट नंबर सेकंड है, तो पॉइंट नंबर जो सेकंड है उसके अनुसार एक व्यक्ति कैसे अबेट कर सकता है किसी भी चीज को, तो कहता है बाय वे ऑफ कंस्पिरेसी, ठीक है। तो यहां पर जो कंस्पिरेसी हो रहा है वो इसका क्या तात्पर्य है, ये समझिए कि यहां पे जो व्यक्ति अबेट कर रहा है, ठीक है, जिस व्यक्ति पे आरोप लग रहा है अबेटमेंट का, वो व्यक्ति इंगेज हो रहा है कंस्पिरेसी में, और ये कंस्पिरेसी किस बात को लेके है, दैट मींस कि इस कंस्पिरेसी का क्या ऑब्जेक्ट है, टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है। तो अब यहां दूसरा एग्जांपल में हम लोग आते हैं, तो मान लीजिए कि ए है, ए बी और सी, ठीक है, ये लोग मिलके क्या किया, कंस्पिरेसी किया, ठीक है। तो यहां पे ए क्या किया, यहां पे ए इंगेज कर रहा है, ठीक है, यहां पे या तो ए बी और सी को इंगेज कर रहा है, या फिर ए जो है खुद इंगेज हो जा रहा है बी और सी के साथ, ठीक है। तो यहां पे जो इंगेजमेंट हुआ है कैसे हो रहा है इंगेजमेंट इन तीनों का, या तो ए इन दोनों के साथ मिल रहा है, या फिर ये दोनों ए के साथ मिल रहा है, तो यहां पे जो इंगेजमेंट हो रहा है इन सभी के बीच में बाय वे ऑफ कंस्पिरेसी, ठीक है, बाय वे ऑफ कॉन्स्पिरेसी, क्लियर है। तो यहां पे आप एक बात समझो कि कंस्पिरेसी का क्या मतलब होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट होता है किस बात को लेके, तो किसी इलीगल एक्ट को कमिट करने को लेके, या किसी लीगल एक्ट को कमिट करने को लेके बाय वे ऑफ इलीगल मींस, उसको हम लोग कंस्पिरेसी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे ए बी सी इंगेज हो रहा है बाय वे ऑफ कंस्पिरेसी, किस बात को लेके, टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से भी क्या होगा, ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट होगा, क्लियर है। अब यहां सवाल उठता है कि यहां भी जो टर्म कंस्पिरेसी यूज हुआ है और इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 120A है उसमें जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जिक्र है वो क्या है, और इस कंस्पिरेसी और उस कंस्पिरेसी के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए यहां जो कंस्पिरेसी टर्म यूज हुआ है इन केस ऑफ अबेटमेंट, इसमें क्या होता है कि ए बी सी, ठीक है, जिस भी ऑफेंस को कमिट करने को लेके कंस्पायर कर रहा है, ठीक है, आपस में, तो इस केस में अगर मान लीजिए जब तक
ओवर एक्ट, ओवरट एक्ट नहीं होगा इनमें से किसी भी एक के द्वारा या इनमें से कुछ के द्वारा, ठीक है, जब तक ओवरट एक्ट नहीं होगा तब तक वो लायबल नहीं होगा फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय वे ऑफ कंस्पिरेसी, ठीक है। दैट मींस कि ओवरट एक्ट का होना आवश्यक है। कहने का मतलब कि अगर ए बी सी मिलके कंस्पायर किया, एग्रीमेंट किया किसी ऑफेंस को कमिट करने को लेके, ठीक है, दैट मींस कि टू कमिट थर्ट, मान लीजिए टू कमिट थर्ट, ठीक है, थर्ट करने के संबंध में तीनों मिलके एग्रीमेंट करता है, और उस एग्रीमेंट में अगर ए बी सी या इनमें से किसी भी के तरफ से कोई ओवरट एक्ट, कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हुआ इन फर्दरेंस टू कमिट थर्ट, तो यह माना जाएगा कि यह लायबल नहीं है फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, ठीक है, बाय वे ऑफ कंस्पिरेसी। क्लियर समझ में आ रहा है? क्योंकि उसने सिर्फ एग्रीमेंट किया, उस पे कुछ, उस एग्रीमेंट पे आगे कुछ किया ही नहीं, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर जब लोग क्रिमिनल कंस्पिरेसी अंडर सेक्शन 120 ए के तरफ देखते हैं, तो अगर मान लीजिए क्रिमिनल कंस्पिरेसी हुआ है टू कमिट एन ऑफेंस, 120 ए के तहत अगर क्रिमिनल कंस्पिरेसी हुआ है टू कमिट एन ऑफेंस, तो ऐसे केसेस में यह मान लिया जाता है कि ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है, ऑफेंस हो गया होता है, ओवरट एक्ट होने की कोई बात ही नहीं उठती है उस क्रिमिनल कंस्पिरेसी में जिसका जिक्र 120 ए में किया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहां पे अगर क्रिमिनल कंस्पिरेसी हुआ टू कमिट एन ऑफेंस तो भी ओवरट एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द एनी ऑफ द पार्टी टू द एग्रीमेंट, ठीक है, होना आवश्यक है। लेकिन मैंने टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल कंस्पिरेसी अंडर सेक्शन 120 ए, ओवरट एक्ट इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस। क्लियर समझ में आ गया आपको कि इस कंस्पिरेसी और इस कंस्पिरेसी में क्या फर्क हो रहा है? तो दूसरा तरीका भी हम लोग अच्छे से समझ गए। अब आते हैं तीसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट कहता है बाय इंटेंशनली, यहां पे इरादतन मदद पहुंचाना किसी व्यक्ति को तो ही व्यक्ति माना जाएगा, लायबल माना जाएगा फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, ठीक है। तो यहां पे इरादतन अगर कोई व्यक्ति मदद करता है किसी व्यक्ति को, किस बात को लेके, तो अपराध को कमिट करने को लेके, ऑफेंस को कमिट करने को लेके, तो ही वो माना जाएगा कि वो लायबल है फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, ठीक है। अब यहां एग्जाम्पल समझिए, तो यहां पे टर्म यूज हुआ, पहले ये देखिए इंटेंशनली एड करना, तो इंटेंशनली अगर कोई व्यक्ति एड नहीं, मदद नहीं करता दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, टू कमिट एन ऑफेंस, तो वो व्यक्ति नहीं माना जाएगा लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, या फिर वो नहीं माना जाएगा कि उसने अबेट किया है उस अपराध को, ठीक है। जैसे कि अब एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए तीसरा पॉइंट हम लोग हैं और तीसरा पॉइंट के एग्जाम्पल को हम लोग समझ रहे हैं। मान लीजिए कि ए जो है, ए बी और सी, ये तीन व्यक्ति है, तीनों दोस्त है, ठीक है, तीनों दोस्त है एक दूसरे का। बी और सी के बीच में झगड़ा हो जाता है, बी और सी के बीच में झगड़ा हो जाता है, इस बात का जानकारी ए को नहीं होता है, इस बात की जानकारी ए को नहीं होती है। क्लियर समझ में आ रहा है? ए जो झगड़ा हुआ बी और सी के बीच में, ठीक है, इस बात को लेके कुछ ज्यादा ही सोच में पड़ जाता है बी, और चाहता है कि मैं इसका बदला लूं, ठीक है, तो वो इरादा बना लेता है सी को मारने का, ठीक है, सी का मर्डर करने का इरादा बना लेता है बी, ठीक है, और इस बारे में ए को कोई नॉलेज नहीं है। बी जाता है ए के पास और कहता है ए को कि सी को तुम अपने घर बुलाओ, सी को तुम अपने घर बुलाओ, ठीक है। तो ए जो है इसको इस दोनों के बीच में जो लड़ाई हुआ था इस बारे में कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं थी। तो एज अ फ्रेंड ए सी को अपने घर बुलाता है और उस वक्त बी भी रहता है, और बी ए के घर इसलिए आता है ताकि वह सी का मर्डर कर सके, ठीक है। तो यहां पे जैसे सी ए के घर आया, ठीक है, और इस बात का फायदा उठाते हुए बी क्या किया, सी का मर्डर कर दिया, तो यहां पे क्या यह माना जाएगा कि ए ने एड मदद किया है बी को, ठीक है, क्या माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहां पे अगर ए पे एक्विजिशन लगा अबेटमेंट टू कमिट मर्डर का, ठीक है, बाय इंटेंशनली एडिंग, तो ये सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि ए का तो कोई इंटेंशन ही नहीं था, ए को तो कोई नॉलेज ही नहीं थी, ठीक है, कोई इंटेंशन ही नहीं पता था ए का कि ए जो एक्ट कर रहा था, सी को जो बुला रहा था अपने घर में, क्या इस इंटेंशन से बुला रहा था कि बी उसका मर्डर कर दे, ऐसा था इंटेंशन ए का? नहीं था। इसलिए ए नहीं माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है, ठीक है, समझ में आ गया बात।
इंटेंशनली एड का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया कि इंटेंशनली एड करना जरूरी है व्यक्ति को टू कमिट एन ऑफेंस, तो ही माना जाएगा कि उसने अबेट किया है ऑफेंस को, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखिए, अब आते हैं सेक्शन 107 के एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पे, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्या कहता है, देखिए एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, मिस रिप्रेजेंट करता है किसी फैक्ट को या फिर किसी फैक्ट को कंसील करता है तो वो क्या माना जाएगा, तो वो यह माना जाएगा कि वो इंस्टिगेट कर रहा है, ठीक है, वो इंस्टिगेट कर रहा है व्यक्ति को कि वो अपराध करे, दैट मीन्स कि वो यह माना जाएगा कि वो ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट का दोषी है बाय वे ऑफ इंस्टिगेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं एक्सप्लेनेशन फर्स्ट को। ए को पता है कि जो सी है वो कोर्ट का ऑफिसर है और वो आया है, ए को पता है कि सी कोर्ट का ऑफिसर है और सी आया है डी को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, सी आया है डी को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन ए इस फैक्ट को जानता है कि सी को यह भी नहीं पता है कि डी कौन है, ठीक है, और वो क्या करता है, सी को गुमराह करता है, ठीक है, सी को बोलता है कि जो ई है ना वही डी है, जो ई है वही डी है इस बात को बताता है सी को ए, और सी क्या करता है, इस फैक्ट के बेसिस पे वह ई को अरेस्ट कर देता है इस सोच के कि वह डी है, ठीक है। तो यहां पे ए क्या किया, ए यह माना जाएगा कि सी को उकसाया है टू कमिट एन ऑफेंस, तो बिल्कुल माना जाएगा बाय वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन फर्स्ट के अनुसार कि अगर कोई फैक्ट को कंसील करता है, ठीक है, और वो फैक्ट को कंसील इसलिए कर रहा था कि क्या हो सके, कोई अपराध हो सके, ठीक है, तो यहां पे यह माना जाएगा कि जो व्यक्ति कंसील कर रहा है फैक्ट को वह क्या कर रहा है, ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट कर रहा है, ठीक है, टू कमिट टू कन्फाइन अ पर्सन, ठीक है, जो भी अपराध कर रहा है उस बात को लेके वो अबेट कर रहा है बाय वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्लियर हो गया एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। अब ये जो एक्सप्लेनेशन टू है वो क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन टू कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऑफेंस के होने से पहले कुछ करता है या जब ऑफेंस हो रहा होता है उस वक्त कुछ कर रहा होता है, ठीक है, क्यों कर रहा होता है, ताकि वो ऑफेंस या फिर यूं कह लीजिए वो एक्ट हो सके, ठीक है, या फिर उस एक्ट के होने में सहायता हो सके, इसलिए वो कुछ एक्ट करता है उस एक्ट के अकॉम्प्लिस होने के पहले या मीन वाइल, तो व्यक्ति माना जाएगा लाइबल फॉर द अबेटमेंट बाय वे ऑफ एडिंग, मदद करके, यही है एक्सप्लेनेशन टू, क्लियर हो गया। दोस्तों जो हम लोग बात करते हैं ये तो था कि जो कॉन्सेप्ट है अबेटमेंट का अंडर इंडियन लॉ, ठीक है, दूसरी ओर जब हम लोग देखते हैं फॉर बेसिक नॉलेज कि क्या प्रिंसिपल है अबेटमेंट को लेके अंडर इंग्लिश लॉ, तो इंग्लिश लॉ में क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं अबेटमेंट का तो एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है एसेसरीज का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एसेसरीज का कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है इंग्लिश लॉ में। इंग्लिश लॉ में क्या होता है, प्रिंसिपल दो प्रकार का होता है, होता है फर्स्ट डिग्री, दूसरा होता है सेकंड डिग्री, और एसेसरी होता है बिफोर द हैपनिंग और बिफोर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट और आफ्टर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट, ठीक है। इंग्लिश लॉ में कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल और एसेसरी का। फॉर एग्जाम्पल की अगर मान लीजिए डी को अबेट करता है सी, डी को अबेट कर रहा है सी, क्लियर है कि तुम अपराध करो, तुम मर्डर करो जेड का, इस बात को लेके सी क्या कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, उकसा रहा है डी को, ठीक है, सी उकसा रहा है डी को कि तुम जेड का मर्डर करो, और सी जब इस बात इस जब उस उकसाया डी को, तो जब डी गया जेड का मर्डर करने तो उसके पास कुछ नहीं था, तो जो एफ है वो क्या किया, उसको चाकू दे दिया, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है, तो चाकू दे दिया, उस चाकू से उसने ई का जेड का डेथ काउज कर दिया, क्लियर है। जब डेथ काउज कर दिया, जब पुलिस डी को अरेस्ट करने आई तो यहां पे जो जी है उसको हार्बर कर रहा है ताकि वो पनिशमेंट से बच सके, उसको सजा ना हो सके इस ऑफेंस का। तो यहां पे अंडर इंग्लिश लॉ जो कंसेप्ट था अबेटमेंट का वो क्या है कि जो व्यक्ति ने एक्ट किया वो हो गया
प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री, और जो उसको इनकरेज किया है वो हो गया है प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड डिग्री। अगर यही व्यक्ति एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस प्रेजेंट होता तो ये फिर माना था प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री, लेकिन यहां उस वक्त वो प्रेजेंट नहीं है सी, इसलिए वो माना जाएगा प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड डिग्री। ठीक है, और यहां पे एफ और जी क्या माना जाएगा, एसेसिटीज, और ये जो एफ है ये माना जाएगा एसेसिटी बिफोर द हैपनिंग ऑफ द फैक्ट, ठीक है, और जी माना जाएगा एसेसिटी आफ्टर द हैपनिंग ऑफ द फैक्ट, क्योंकि जेड के मर्डर के बाद वो क्या कर रहा है, हार्बर कर रहा है, छुपा रहा है डी को, ताकि उसको सजा ना हो सके इस अपराध का। ठीक है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट है अंडर इंग्लिश लॉ, जस्ट उसका पूरा अपोजिट हो जाता है इंडियन लॉ में जब लोग देखते हैं प्रिंसिपल अबेटमेंट का। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं, क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे अबेटमेंट का और आगे के प्रोविजन को कवर करेंगे 108 109 तो जो वीडियो है वो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पार्ट वाइज अबेटमेंट के हर प्रावधान को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट है, चलिए लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली जाना कि अबेटमेंट से जो रिलेटेड प्रोविजन है 107 में उस वो डिटेल में क्या कहना चाहता है। ठीक है, कि अबेटमेंट अगर होगा तो कैसे कैसे होगा और उसका एग्जैक्ट क्या एक्सप्लेनेशन है, ये हम लोग समझे। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा ब्रीफ में समझे कि जो कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लॉ में अबेटमेंट को लेकर वो क्या है और क्या है, ठीक है, कैसे है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही, आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।